फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी है तो उस पर कितना फोर्स मिनिमम कितना मैक्सिमम लगाएं कि वो स्लाइड ना करे, दूसरा कि अगर स्लाइड कर रही है तो किधर करेगी किधर नहीं करेगी, ठीक है जिधर जा रही है उधर एक्सेलरेशन निकालना, ये सीख लिया था हम लोगों ने शायद, ये नहीं सीखा था? अरे सीख लिया था ना? यस देखो तो यार चुप हो जाते हैं सब, मतलब जैसे ही ना पूछो कुछ कि हाँ ये हो गया चुप हो जाते हैं सब, ऐसा लगता है जैसे वहीं से फिर से मुझे शुरू करना पड़ेगा। पता नहीं यार मजा नहीं जो ना तुम लोग वो कर पा रहे हो। देखो फटाफट एक क्वेश्चन बनाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है हमारा काम है आगे बढ़ना, ठीक है। मान लो कि ये एक टेबल है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन पे एक बॉक्स है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है जल्दी से बता दो, ठीक है। ये एक बॉक्स यहाँ लटका दिया हमने, एक बॉक्स यहाँ लटका दिया, ठीक है। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? एक्सेलरेशन लिखो जल्दी से। ये मास है, इसका मास मान लो ए है, ये इसका मास है आपका 2 kg, और ये बॉक्स बी है जिसका मास है, ये बॉक्स बी है जिसका मास है से 5 kg, ठीक है ये इंक्लाइन प्लेन है, इस प्लेन पे ये कितने एंगल पे है, ये है मान लो 30 degree पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है प्लेन और इसके बीच, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। म्यू कितना है? 1/√3, ठीक है। पेड़ है, ठीक। बताओ बच्चे जल्दी जल्दी बताओ बॉडी का एक्सेलेरेशन, स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगे, जल्दी बताओ। फिर जो है आज ना मामला इसका खत्म करते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2 boxes अगर एक टेबल पे रखे हुए हैं तो उनमें फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। अभी 1 box की बात कर रहे हैं, किसकी? 1 box की। आगे किसकी बात करेंगे हम लोग? 2 boxes की। किसकी? 2 boxes की, ठीक है। तो अभी 1 box की बात हो रही है, इसको आप फटाफट बना लो, फिर 2 box की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी बनाओ, ठीक है। किधर जाएगा, कितना टेंशन होगा बॉडी जो है स्ट्रिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, किधर जाएगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, जल्दी जल्दी निकाल दो इसका, आगे चलते हैं हम लोग। इस बॉक्स और इस प्लेन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1/√3 है, ठीक है। बन गया? किधर जाएगा ये, कैसे डिसाइड करते हो? पहले दोनों का क्या देख लो, सेल्फ वेट, इसका प्लेन के अलोंग कितना है और इसका वर्टिकल में कितना है। जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा समझ लो बॉडी उधर ही मूव करेगी, ठीक, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग जाएगा। यही तो कर रहे थे हम लोग, यस सर, ठीक है। तो बताओ किसका ज्यादा है, है? इसका कितना होगा, इसका देखो 25 है, ये हो गया आपका mg मतलब 50 newton, चलेगा g की वैल्यू 10 ले लो, जब ना दे तो 10 m/s² ले लिया करो, ठीक है। g की वैल्यू 10 m/s² ले लिया करो,
ठीक है, एम जी हो गया डाउनवर्ड, ये कौन सा फोर्स है आपका, एम जी है डाउनवर्ड, ठीक है भाई, नॉर्मल रिएक्शन इसका इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बॉक्स डी है, टेंशन इसका इधर हो जाएगा, ये टेंशन हो गया कि नहीं बताओ, ये हो गया टेंशन। अच्छा भाई, इसके दो कंपोनेंट ये देखो, ये हो गया प्लेन के अलोंग और दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एंगल 30 डिग्री है ये सब लोग जानते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कितना 50 का, ये हो जाएगा 50 cos 30 और ये हो जाएगा 50 sin 30 ना, यस सर, 50 sin 30 मतलब हो गया 25, यस सर, ये हो गया 25 न्यूटन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कितना हो गया, 50 cos 25 root 3 हो गया ना, yes, sir. ठीक है भाई। अच्छा इधर छोटे वाले का फ्री वर्ड डायग्राम बना लो, छोटे वाले का हमने बनाया, देखो ये हो गया mg डाउनवर्ड, कितना हो जाएगा ये mg डाउनवर्ड मतलब 20 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं बताओ, और टेंशन ऊपर हो गया। अच्छा कौन बड़ा है, 25 या 20, कौन बड़ा है, 25, इसका मतलब बॉडी किधर जाएगी, इधर की तरफ, ये वाला बॉक्स इसको इधर नीचे खींचेगा, इसका मतलब ये वाला बॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं बताओ, yes, sir. जाएगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन आएगा, ऊपर की तरफ, बहुत सही, फ्रिक्शन आएगा इधर की तरफ, ये हो गया फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी आपकी म्यू इंटू एन बी ना, म्यू इंटू एन बी होगा कि नहीं बताओ, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, तो म्यू इंटू एन बी, म्यू की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, म्यू की वैल्यू है आपकी 1/√3, और एन बी कितना है 25√3 है कि नहीं बोलो, यस सर, तो 25√3 √3 कैंसिल, तो क्या ये 25 न्यूटन मैक्सिमम लग जाएगा, यस सर, यस सर, तो फ्रिक्शन 25 लग गया। अच्छा फ्रिक्शन 25 लग गया भाई, ये बताओ फ्रिक्शन 25 ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन है ये, मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन है, आप बताओ कितने की जरूरत होगी कि ये रुक जाए भाई, 25 तो मैं क्या पूरा 25 यहाँ लग जाएगा, क्या पूरा, पहले इक्वेशन लिख लो, पहले इसका इक्वेशन लिख लो, ये वाला क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, देखो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे इस वाले के लिए तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, मान लो बॉडी ऊपर जा रही है तो t-20 इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या ये एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी ये बताओ, पहले नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कितना है 25, और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे, या फिर जो इसका सेल्फ वेट के कारण फोर्स है वो 25 न्यूटन है, ठीक है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी, नो सर, नहीं मूव करेगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, मतलब टी इज इक्वल टू कितना हो गया ये 20 न्यूटन, कितना हो गया 20 हो गया, तो अब यहाँ देखो, अब इसको एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो 25 इज इक्वल टू टी प्लस एफ होगा कि नहीं बताओ, यस सर, इस वाले के लिए 25 इज इक्वल टू टी प्लस एफ, 25 इज इक्वल टू टी, टी की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, 20 न्यूटन, कितना है 20 न्यूटन प्लस एफ, तो क्या F इज इक्वल टू 5 न्यूटन आया, यस सर, कितना लग सकता था 5 न्यूटन 25, कितना लग सकता था मैक्सिमम 25, कितने की जरूरत है 5 की, मान ले, देखो इधर देखो, मान लो टेंशन जीरो हो गया तब भी तो मैक्सिमम 25 लगेगा, तब भी तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, करेगी नो सर, नहीं करेगी, इसका मतलब है कि क्या ये सिस्टम मूव कर रहा है या इसके बॉडी के इसमें जो बॉडी है या इसमें जो बॉक्सेस है क्या वो मूव कर रहा है, नहीं कर, क्लियर है, यस सर, ये कहानी, ये देखो क्वेश्चन मैंने कैसा दे दिया, क्या बन गया सर, t-20 = 0 सर, ये समझना है बच्चा, t-20 = 0,
t-20 is equal to 0. हाँ बोलो क्या सर समझ में नहीं आया यहाँ ये t-20 is equal to 0. यस सर देखो समझ में इसलिए नहीं आया आपके क्योंकि मैंने ये मान लिया क्योंकि देखो यहाँ मुझे दिखा या मैंने देखा ये कि देखो भैया ये टेंशन अगर जीरो भी हो जाए टेंशन क्या हो जाए जीरो तब भी फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो जा रहा yes, sir. इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी ठीक है इसलिए अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो कर दिया मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमने कर यस सर तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो ठीक है ये वाला टर्म जीरो हो गया तो टी किसके बराबर हो कंटिन्यू इसलिए मैंने 20 या अगर आप मान लेते हो कि एक्सेलरेशन है इसमें मान के देखो कि एक्सेलरेशन है और f की वैल्यू आप 25 रख दो तो देखना एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा यस सर चाहे जिधर भी मानोगे एक्सेलरेशन नेगेटिव आप इधर ही मानोगे ना एक्सेलरेशन को यस सर देखना एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा टेंशन जीरो आ जाएगा ठीक है यस सर क्या टेंशन जीरो हो सकता है नो सर नहीं हो सकता मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है चल देखते हैं आदर चल देखते हैं बच्चे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन है इसमें एक्सेलरेशन इधर की तरफ मान लेते हैं ए इसमें किधर की तरफ ऊपर की तरफ चल मान लेते हैं देखो इधर अपने आप ना कुछ वैल्यू बताएगा ये देखो और जो कि आपको बताएगा क्या देखो नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब 25 minus t minus f is equal to mass into acceleration. इसका mass कितना है? 5 into a हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes sir. ठीक है इस पे देखो t minus 20 is equal to mass into acceleration. Mass इसका 2 है 2 into a चलेगा? Yes sir. छोड़ दो दोनों को t cancel हो गया. 25 minus 20 कितना हो गया? 5 is equal to 5 और minus f. 5 minus f. 5 minus f is equal to 7 a. देखो तो F की क्या वैल्यू लोगे कहां तक F हो सकता है क्या फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा बोलो बच्चे यस सर फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा फ्रिक्शन होगा विवेक सर लेक्चर ले रहा था मैं लेक्चर के बाद बात बोलो भाई फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा कितना लगेगा जितने की जरूरत है जिससे कि वो बॉडी को रोक सके अरे यही तो होता है फ्रिक्शन का नियम यस सर भैया जितने की जरूरत है जिससे वो बॉडी को रोक सके बता कितने की जरूरत है जिससे कि वो बॉडी रुक जाए मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो तो एक्सेलरेशन को जीरो करो देखो a इज इक्वल टू जीरो कर दिया हमने अगर a जीरो करोगे तो 5 माइनस f इज इक्वल टू जीरो हुआ कि नहीं हुआ बता हो गया f की वैल्यू कितनी हो गई 5 नहीं आया समझ में yes, sir, क्या है 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए अच्छे कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ लो बात बराबर है पकड़ तो नहीं रहे हो यार yes, sir. F आपने कितना माना था 5 अच्छा हमको दिख गया था इसलिए हमने उसे जीरो कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी करेगा जीरो से लेके 25 तक जीरो से लेके 25 कितने की जरूरत थी इसको रोकने की क्योंकि हमने देखा अगर ये रुक जाएगा तो टेंशन 20 के बराबर हो जाएगा टेंशन 20 अगर रखोगे तो यहाँ 20 तो यहाँ 5 भी चाहिए इसको 25 को रोकने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए बता यस सर और वो यहाँ से भी आ गया मुझे लगा नहीं तुम्हें आया मान लिया करो इसका ठीक है कोई दिक्कत नो सर चलेगा यस सर आगे देखो अब अगर ये देखो आप लोगों को मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ दिल से बताओ कितने लोग अच्छी परमा बनाए यस सर यस सर बनाया होगा उसे yes, समझ sir, में आएगा जो नहीं बनाएगा उसे समझ में आएगा ही नहीं यार जो बनाएगा उसे समझ में आएगा अगला क्वेश्चन देखो 1997 में पूछा गया था ये देखो लिखो
मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ये है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। दो बॉक्सेस है, यहां पुली लगी हुई है, पुली फ्रिक्शनलेस है शायद। ब्लॉक ए ऑफ मास एम एंड ब्लॉक बी ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड ट्रायंगुलर वेज बाय मींस ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंगलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड ए फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर। पुली भी फ्रिक्शनलेस है भाई, ये पुली फ्रिक्शनलेस है। इस पे हमने एक मास रख दिया इधर की तरफ m और इधर मास रख दिया 2m, कितना 2m, इन दोनों को बांध दिया एक पुली से ऐसे ऐसे, ठीक है। रस्सी उसमें लगी हुई है ऊपर, ये देखो रस्सी से बंध गया ये, ठीक है भाई। 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी तब सब्जेक्टिव हुआ करता था, तो ये एडवांस में पूछा गया था। देखो ब्लॉक ए ऑफ मास m एंड ब्लॉक b ऑफ मास 2m, ये ब्लॉक ए है, ये वाला ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है बच्चे। दोनों एक वेज पे रखे हैं जिसका एंगल है 45 डिग्री। द वेज इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल ऑन बोथ साइड्स। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द वेज इज 2/3 एंड द बिटवीन ब्लॉक बी एंड द वेज इज 1/3। इफ द ब्लॉक ए एंड बी आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट पॉइंट, देखो इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है, कितना दिया हुआ है बताओ। यहां मान लो म्यू ए है, म्यू ए की वैल्यू 2/3 है, कितना है 2/3, और म्यू बी की वैल्यू है 1/3। इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू बी, उसकी वैल्यू है 1/3, कितनी है 1/3, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपको बताना है, लिखो ये दो, ये सिस्टम को ना रिलीज किया है रेस्ट से, मतलब पहले से छोड़ के नहीं रखा है, क्या किया दोनों को पकड़े हुए अब छोड़ दिया फ्री घूमने के लिए, जाओ भैया घूमो अपनी जिंदगी जी लो सिमरन। तो सिमरन अपनी जिंदगी जिएंगी अब। देखो इफ द ब्लॉक्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड, नंबर ए लिखो, लिखो क्वेश्चन, ब्लॉक ए और बी को कहां से छोड़ा है रेस्ट से, ठीक है लिखो क्वेश्चन। फाइंड नंबर ए एक्सेलेरेशन ऑफ ए, टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन, नंबर बी टेंशन इन द स्ट्रिंग, नंबर सी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए। ए पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है बच्चे, सर द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। Acting on block A. पहले क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। उसके बाद बच्चे दोनों का सेल्फ वेट दिखा लो प्लेन के अलोंग, मतलब कंपोनेंट तोड़ के, बॉडी किधर जाएगी जिधर सेल्फ वेट ज्यादा होगा। फिर उसके बाद फ्रिक्शन डिसाइड करो कि फ्रिक्शन अब किधर लगेगा, टेंशन चाहे जैसे दिखाओ, टेंशन के कारण कोई वर्क नहीं होता है, इसलिए टेंशन को आप अपने दिमाग में, अपने दिमाग के टेंशन से निकाल ही दो उसको, दिमाग में और भी टेंशन रखो लेकिन इस वाले टेंशन को निकाल दो, ठीक है। मैंने आपको दो तीन चीज बताई, सिर्फ उसी पे फोकस करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर, जो भी कंपोनेंट नहीं है उसको तोड़ दो। तोड़ने के बाद आपको लगेगा कि जो प्लेन के अलोंग सेल्फ वेट है किसी भी बॉडी का, वो
और उस दूसरी बॉडी का प्लेन के अलोंग जो सेल्फ वेट है वो उसमें से कौन बड़ा है, जो बड़ा है वो उस बॉडी को खींचेगा। अगर उस बॉडी को खींचता है इसका मतलब दूसरी वाली बॉडी ऊपर की तरफ आएगी, तब फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। फ्रिक्शन उधर लगेगा जिधर की बॉडी को वो रोक सके। यही कारनामा है, यही आपको करना है। नॉर्मल रिएक्शन बी पे एन बी दिखा लो। मुझे लगता है सबने फ्री वेयर डायग्राम ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, हो गया भाई? बोलो सर। एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। एक्सेलरेशन जीरो आ गया। यस सर। टेंशन ऑफ वो आ रहा है 2√2/3 mg। फ्रिक्शन ऑन ए। यस सर। और फ्रिक्शन ऑन बी सर? नहीं, टेंशन आ रहा है आपका। टेंशन कितना आ रहा है? 2√2 मेरा नहीं है। रस्सी में है। यस सर। मम्मी बिस्किट भेजो तो मुझे भूख लग रही है। तो खाना खा ले। भूख लग रही तो इधर लोगों में सर? लोगों को टेंशन बढ़ा रहा है इधर, इसको भूख लगी हुई है। सर यहाँ पे mg/√2 होगा ना सर, एन ए की जगह। एन ए की जगह। हाँ सॉरी, और वो भी √2/3 mg है। तो टोटल कितना हो गया? 2√2/3 mg। और नेट कितना लग रहा है? नेट लग रहा है आपका, नेट कितना लग रहा है? नेट लग रहा है आपका √2 mg - mg/√2। तो ये कितना हो गया? 2 mg - mg, मतलब हो जाएगा mg 2 mg - mg/√2। mg/√2 हो गया, mg/√2 हो गया। और ये कितना आया? ये आ गया 2√2/3 mg। अब 2√2/3 mg और mg/√2 में कितना? अच्छा ये बताओ, क्या अकेले ये रोक पाएगा इसको, mg/√2 को, √2/3 mg? नहीं रोक पाएगा। रोक पाएगा कौन बड़ा है इसमें, 1/√2 या √2/3 mg? 1/√2 मतलब हो गया कितना? कितना भाई बताओ? 0.77। यस सर। यस सर। पक्का? अरे 1.414 / 2 मतलब हो जाएगा 0.707 इसकी वैल्यू आए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.707 mg। और इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी क्या वैल्यू होगी बताओ? √2/3। तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 1.414 / 3 mg। ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 = 12। ठीक है, mg/√2 बड़ा हो गया, तो 3 × 12 हो गया, 12 × 2 = 14 और 3 × 7 = 21।
0.47 और ये कितना हो जाएगा 0.47 ये हो गया और वो है 7.707 mg. ठीक है तो समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? मैं समझाता हूँ, समझा दूंगा. ठीक है, ये तो मैक्सिमम हो गया ए और बी पे. ठीक है, ये तो मैक्सिमम हो गया. नहीं यस सर. ओके, और नेट फोर्स कितना लग रहा है मैक्सिमम? नेट फोर्स लग रहा है 0.707 mg. ठीक है, यस सर. अच्छा ये बताओ, उसने आपसे पूछा है कि बच्चे फ्रिक्शन ऑन ए बताओ. फ्रिक्शन ऑन ए, पहले तो एक्सेलेरेशन बताओ. जीरो. एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो. जीरो. चले हम लोग अब एनालिसिस करें इसकी. यस सर. चलो एनालिसिस करते हैं. देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था 1997 में भी. अच्छा क्वेश्चन, मतलब तब भी अच्छे पूछे जाया करते थे और बहुत अच्छे पूछे जाया करते. बहुत अच्छे पूछा जाएगा, इसमें बहुत लोग फंस जाएंगे. यस सर. बहुत लोग फंसेंगे. देखना, आप मुझे ये बताओ, ये बॉडी पूरा सिस्टम किधर चलना चाहेगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर चलता? राइट साइड. 2m की तरफ कि m की तरफ? 2m की. ठीक. yes. तो पहले फ्रिक्शन कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? 2m पे आएगा, इसीलिए वो कह रहा है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. तो सबसे पहले फ्रिक्शन कहाँ आएगा? m की तरफ. बोलो. m की तरफ. m की तरफ या 2m की तरफ? m की तरफ. 2m की तरफ. 2m चलना चाहेगा ना? पहले तो 2m चलेगा, तभी तो रस्सी खींचेगी फिर m आएगा ऊपर. अरे यार, पहले इंजन पे जो है लोड आएगा या फिर बोगी में पहले से ही आ जाएगा? इंजन को क्या पता कि बोगी में कितने लोग बैठे हैं? यस सर. पता है क्या उसे? यहाँ इंजन कौन? 2m या m? 2m. इंजन कौन? 2m. 2m. तो 2m जब खींचेगा तो 2m खींचते ही उस पर फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? Yeah. और 2m पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? √3/2/3mg. क्या √2/3mg इस mg by root c 2 से बड़ा है कि छोटा है, ये बताओ. छोटा. छोटा है. mg by root 2 से √2/3mg बड़ा है कि छोटा? छोटा है. yes, sir. इसका मतलब ये सिस्टम इधर नीचे आना शुरू हो जाएगा. yes, sir. और फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम दे रहा होगा उस समय, दे रहा होगा कि नहीं, ये बताओ. yes, sir. तब फिर रस्सी खींचेगी, टेंशन आएगा, उसके बाद ये वाला ऊपर जाने लगेगा. yes, sir. अब क्या होगा? अब यहाँ पे भी फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा. Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया. यहाँ पे भी फ्रिक्शन किस में आ जाएगा? पिक्चर में. जब यहाँ फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा मेरे बच्चों, तो यहाँ बताओ फ्रिक्शन तो इधर हो गया FA. मैं थोड़ा अलग फिगर डायग्राम बनाऊं, ये समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है आपको? अलग दिख रहा है. और यहाँ फ्रिक्शन हो गया FB. यस सर. FB अगर कोई पूछे आपसे तो कितना लगेगा? मैक्सिमम रूट टू. मैक्सिमम रूट 2/3mg लगेगा कि नहीं अपना मैक्सिमम? यस सर. और ए पे कितना फ्रिक्शन लगे कि ये पूरी बॉडी रेस्ट में हो जाए? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो चल, ये तो पता चल गया ना? यस सर. भाई हमने क्या किया, दोनों फ्रिक्शन को ऐड कर दिया, इसको भी और इसको भी, क्योंकि दोनों फ्रिक्शन मिलके उस बॉडी को रोकेंगे या उस सिस्टम को रोकेंगे. तो हमने दोनों फ्रिक्शन को ऐड किया. दोनों फ्रिक्शन को ऐड करने के बाद हमें दिखा कि दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू इससे बहुत ज्यादा है. नहीं आया समझ में? आ गया. पक्का ना? दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा है. ज्यादा है, इसका मतलब है फ्रिक्शन कभी नेट फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता. यस. फ्रिक्शन कभी नेट फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता.
नहीं। तो जब फ्रिक्शन नेट फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ज्यादा? क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू जितनी है इस पे अगर उतना फ्रिक्शन लग जाएगा तो ये बॉडी रुक जाएगी, ये तो तय है। यस सर। तो नेट फोर्स देख किस पे कितना है, नेट फोर्स है mg/√2, है कि नहीं है, बोलो। यस सर। अच्छा, mg/√2 बच्चे नेट फोर्स है इस पे, और mg/√2 नेट फोर्स है, ये इसी को रोकना है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा जो कि दोनों पे लग रहा है, Fa+Fb। क्या अकेले Fb फ्रिक्शन रोक पा रहा है? नो सर, नहीं रोक पा रहा। आया सर। अकेले Fb नहीं रोक पा रहा, किसकी मदद से वो रुक रहा है? Fa+। तो क्या Fa अपना मैक्सिमम दे देगा क्या? यस सर। नहीं, नो सर, Fb अपना मैक्सिमम देगा, Fb पूरी कोशिश करेगा रोक के रखने की। yes, जब नहीं रुकेगा तो Fa देगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। Fa दे देगा, ठीक। तो बता, अगर Fb√2/3mg है, Fb√2/3mg है, तो Fa कितना हो जाएगा, बोलो? mg/√2। mg/√2। mg/? यस सर, mg/√2। समझ में आया? यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया। क्लियर है ना? देखो भाई, Fb का अपना मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा बताओ। यस। और Fa जितना लगे जिससे कि ये रुक जाए। यस। तो Fb का मैक्सिमम लगा दो, बाकी Fa कितना मैक्सिमम लगा सकता है? इतना √2। लेकिन लगेगा कितना, जितने की जरूरत है जिससे बॉडी रुक जाए। तो बता Fa कितना होगा? Fa हो जाएगा Fb मैक्सिमम, होगा कि नहीं, बोलो? यस। Fb मैक्सिमम कितना होगा बच्चे, बता? √2/3mg/√2/3mg। तो देखो, यहाँ हमने लगाया Fa=mg/√2-√2/3mg, ठीक है? mg बाहर ले लिया हमने, क्या बचा? 1/√2 1/√2-√2/3, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा mg/√2 ये तो होगा। यस सर। ये हो जाएगा mg/√2। समझ में आया मेरे लल्ला? यस सर। यस। Yes, sir. एक्सेलेशन क्या होगा? एक्सेलेशन क्या होगा? जीरो। की बॉडी मूव ही नहीं कर रही। yes, तो किसी ने बताया था कि एक्सेलेशन जीरो होगा सर, बॉडी मूव नहीं कर रही, बताया था किसी ने? यस सर। क्या नाम बेटा आपका, फिर से मैं भूल गया? मुस्कान। हाँ, इसने बताया मुस्कान ने कि एक्सेलेशन जीरो होगा क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, और आप देखोगे तो एक्सेलेशन जीरो आपको दिखेगा ही कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। ठीक है, मैं फिर से इसे कराऊं या समझ में आया ये बताओ सर? आगे सबको क्लियरली बताना, 12th वाले बच्चों। यस सर। क्लियर हुआ या सर? फिर से दो लाइन में बता दीजिए। कौन सा बताओ सर? ये सर, हमें ये ढूंढना था ना, टेंशन भी पूछा है क्या क्वेश्चन में? यस सर। हाउ मच विल बी द टेंशन? चलो मैं ना इसे, क्योंकि मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा जब मैंने अभी किया, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है बताओ? फिर
यस सर। क्लियर है? देखो इंक्लाइन प्लेन का इतना कर रहे थे आप, एक अच्छा मिल गया आपको। yes, कई सारे इंक्लाइन प्लेन के मैंने कराया, देखो ये मिल गया। तो वो ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन ताकि आपको मजा आ जाए। देखो इधर मैं फिर से कर देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, ताकि आपको जो है देखने में अच्छा लगे। है कुछ नहीं, था कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को आपको समझना था। ठीक है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है ना। यहाँ एक पुली लगी हुई थी, इधर ब्लॉक M था और उधर ब्लॉक 2M था। इधर ब्लॉक M है और इधर ब्लॉक 2M है। इसका नाम है, M का नाम है A, ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। इसका मास M है और इसका मास 2M। आप क्या करो ना, एक तरफ बॉडी को मूव करा के एक्सेलेरेशन 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 सब लिख लो। इसका मास 2M है, ठीक है। देखो ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये 97 में पता कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ये सर कितने 10 मार्क्स का, कितने मार्क्स का था ये 3 मार्क्स का, 10 इक्वल टू 2 रूट 2 बाय 3 एम। गुड, देखो इधर सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि फ्री वर्ड डायग्राम बना लो। मैंने जो कहा था वो करो, ये तो आपको हमेशा हमेशा आप कहीं पे भी गलती नहीं करो। गलती का चांस सिर्फ वही होता है जब आप फ्री वर्ड डायग्राम सही से नहीं बनाते। इसका फ्री वर्ड डायग्राम हो जाएगा 2mg, सॉरी सेल्फ वेट हो जाएगा 2mg, नॉर्मल फोर्स इधर लग जाएगा NB, हो जाएगा कि नहीं बताओ। yes, अच्छा इसका देखो, इसका मास हो जाएगा mg, ये ऐसे, और नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इधर na, ठीक है ओके। अच्छा इधर देखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखाएंगे भैया, टेंशन क्यों नहीं दिखाएंगे। अच्छा रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होगा? हाँ सेम होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी क्या है, रस्सी और पुली के बीच फ्रिक्शन नहीं है। रस्सी और पुली के बीच जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो टेंशन हर जगह सेम होता है, और रस्सी और पुली के बीच में फ्रिक्शन आ गया तो टेंशन हर जगह अलग अलग होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और कैसे टेंशन निकालते हैं तब, उसकी वैल्यू एक अलग जो है फॉर्मूले से आती है, वो थोड़ा हायर इंजीनियरिंग में आ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन हो कभी दे दे आपको एडवांस में, कभी कुछ दे दे तो मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा उस पर। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं पूछेगा मुझे जहां तक आता है। ठीक है, और पूछ सकता है, IIT है, कुछ भी पूछ सकता है, उसका पूछने का क्या कह सकते हैं। ठीक है, वो तो कह देगा हमने फ्रिक्शन दिया तो था, तो बस हो गया काम आपका। चलो इसका देखो, इसका ये जो एंगल होगा क्या ये 45 डिग्री होगा? यस 45 होगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? इसको कंपोनेंट, किसको कंपोनेंट में तोड़ोगे? एमजी को। ये इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे ना, प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बताओ प्लेन के अलोंग, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट होगा इसका? ये हो जाएगा 2mg cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या 1/√2 होता है? यस सर। क्या हम इसे 2mg/√2 डायरेक्ट लिखने चलेगा? यस सर। ये लिख दिया हमने। और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? 2mg/√2 अगेन। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो, ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल 45 हो जाएगा। यस सर। तो ये एंगल 45 हो जाएगा बच्चे। तो ये वाला कंपोनेंट देख, ये वाला, ये हो जाएगा mg/√2। यस सर। और ये भी हो जाएगा mg/√2, होगा कि नहीं बताओ? यस सर। कौन बड़ा इसमें से, 2mg/√2 या mg/√2? 2mg/√2 बड़ा ना। yes. तो बॉडी किधर खींचेगी? 2mg/√2 की तरफ। तो 2mg/√2 की तरफ बॉडी खींचेगी तो जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा? इस वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इधर, प्लेन के अलोंग और नॉर्मल के परपेंडिकुलर कितना लगेगा? FB। कितना लगेगा? FB। मैंने बी इसलिए लिखा है यहाँ पे, एफ बी इसलिए लिखा है क्योंकि बी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। कोई दिक्कत?
ओके अब इधर देखो, इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ये किधर जाएगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इस पे, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब एफ ए। यस सर। नो सर। नहीं है, ठीक है भाई। चलो एफ ए और एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी मैक्सिमम वैल्यू? एफ ए और एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो भैया मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए? एफ ए का मैक्सिमम बताओ क्या होगा। एफ ए मैक्सिमम, एफ ए मैक्सिमम क्या होगा भाई? एफ ए मैक्सिमम होगा म्यू ए इनटू उस पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, या उस बॉडी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, उस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एन ए। एन ए म्यू ए इनटू एन ए। म्यू ए की वैल्यू बता कितनी है? म्यू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 2/3 थी कि नहीं थी? यस। म्यू ए 2/3 दिया हुआ था, तो ये लिखोगे 2/3 इनटू नॉर्मल रिएक्शन एट ए। देखो ए में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया कि नहीं? ये यस यस। तो ये हो गया एम जी बाई रूट टू, एम जी बाई रूट टू। अगर आप ध्यान से देखो तो ये टू ऊपर है, रूट टू नीचे है, तो रूट टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू बाई थ्री एम जी। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा, अब एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू बी इंटू एन बी। जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना आप एकदम बढ़िया तरीके से, म्यू बी इंटू एन बी। बताओ म्यू बी की वैल्यू कितनी है? म्यू बी की वैल्यू है 1/3। और एन बी की वैल्यू कितनी है भैया? इस के अराउंड देखो ये वाला कितनी है? 2mg/√2 या रूट टू एम जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सीधा सीधा। यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो बच्चा ये बता, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका √2/3mg। यस। अब डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? पहले तो ये देखेंगे कि जो मैक्सिमम दोनों पे फ्रिक्शन लग रहा है, क्या वो दोनों फ्रिक्शन मिलके उस बॉडी को रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं? मेरी बात समझे? यस सर। मैं दोनों जो फ्रिक्शन है, वो दोनों फ्रिक्शन मिलके क्या बॉडी को रोक पा रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं? अगर दोनों फ्रिक्शन मिलके बॉडी को रोक पाएंगे तब तो बॉडी मूव नहीं करेगी, नहीं करेगी। और अगर दोनों फ्रिक्शन मिलके बॉडी को ना रोक पाए तो बॉडी मूव कर जाएगी कि नहीं, बताओ? यस सर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो दोनों फ्रिक्शन मिलके, क्या दोनों फ्रिक्शन इस बॉडी के नेट फोर्स का अपोज करेंगे? यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। इसका अपोज करेंगे, वो बॉडी के मोशन का। क्लियर है? हम पूरे को एक सिस्टम मान ले अगर, तो इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है बता? इन दोनों को मिला के इसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ कितना? 2mg/√2। और इसका कितना लग रहा है? mg/√2। ये mg/√2 क्या इसको सपोर्ट कर रहा है या इसका अपोज कर रहा है? अपोज। भाई इसका, इस वाले फोर्स का, क्या ये वाला फोर्स सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ? यस सर। ये इधर की तरफ खींच रहा है 2mg/√2 से, और ये वाला नीचे की तरफ खींच रहा है mg/√2 से। तो ये वाला कहेगा कि भैया खींच तू, आ क्यों नहीं रहा है? करा हम भी तो लगा रहे हैं mg/√2 नीचे की तरफ, आपका अपोज कर रहे हैं हम। इसका मतलब है जो इन दोनों को मिला के प्लेन के अलोंग जो नेट फोर्स है, वो प्लेन के अलोंग नेट फोर्स कितना होगा भाई? प्लेन के अलोंग नेट फोर्स हो जाएगा mg/√2 माइनस mg/√2। होगा कि नहीं, बताओ? यस। ये पूरा नेट फोर्स उस प्लेन पे लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता क्या हो गया नेट फोर्स उस पे? अब बता, ये जो नेट फोर्स है ये नेट फोर्स कितना हो गया बताओ? फोर्स हो गया 2mg/√2 माइनस mg/√2। क्या mg/√2 0.77? ये mg/√2 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। क्लियर है बच्चे? अब देखिए mg/√2 हो गया।
एम जी बाई रूट टू के इसका मतलब बॉडी मोशन में हो गई, तब कौन पिक्चर में आएगा? फ्रिक्शन कहेगा अरे मैं तो हूँ अभी जिंदा, मैं अभी जिंदा हूँ, तो मैं अभी जिंदा हूँ भैया, तो एक कहेगा अच्छा रुक जा बेटा इधर देख, दोनों को मिला पहले, क्या दोनों के मिलाने के बाद दोनों फ्रिक्शन के, दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखो तो दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करो, वो दोनों मिलके अपोज करेंगे कि नहीं उस बॉडी को? करेंगे। तो दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का सम क्या इसके नेट फोर्स से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा है, ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉडी मूव, ये सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अरे दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है, इसके नेट फोर्स से ज्यादा आ रहा, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है सब। तो पक्का ना? यस सर। चला गया यार, ले खो गया वो। आ गया, ओके। देखो इधर, तो ये जो नेट फोर्स है इन दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करो, दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू नेट फोर्स से ज्यादा है, लिखो इस बात को कि इन दिस केस या इन दिस क्वेश्चन, लिख लो इस बात को, इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज, लिखो मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज, सिस्टम पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है? वो हो रहा है एफ ए मैक्सिमम प्लस एफ ए मिनिमम, हो रहा है कि नहीं बताओ? yes. तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से, आगे मैं कर रहा हूं इसको, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो है एफ ए मैक्सिमम प्लस एफ बी मैक्सिमम, एफ ए मैक्सिमम है आपका रूट टू बाई थ्री एम जी और एफ बी मैक्सिमम है आपका रूट टू बाई थ्री एम जी, है कि नहीं बताओ? यस, दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा टू रूट टू बाई थ्री एम जी। यस सर। ठीक है। यस सर। और बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है बॉडी पे एम जी बाई रूट टू, है कि नहीं बताओ? yes, sir. कौन सी वैल्यू बड़ी, ये वाली बड़ी या ये वाली बड़ी? F max. Max वाली बड़ी, ये वाली बड़ी। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। नहीं। अरे भैया फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोक देगा? यस सर। yes, नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है, फ्रिक्शन उसको रोक देगा, मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। क्या ये ग्रेटर है इससे? Yes. तो लिखो इन दिस केस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज ग्रेटर देन नेट फोर्स ऑन द बॉडी या अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी। नेट फोर्स मत लिखो इसे, नेट फोर्स थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी या सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, सेल्फ वेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो क्या yes, कभी मैक्सिमम, कभी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो सकता है जो कि बॉडी को मूव करा रहा हो? नहीं हो सकता। नो सर। हमेशा अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? जितने की जरूरत होती है, जरूरत है। जितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, जितना अप्लाइड है, जितना अप्लाइड है, कितना अप्लाइड है भाई? तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा जिससे कि बॉडी रुक जाए या सिस्टम रुक जाए, तो फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा वो बराबर होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के, तभी तो बॉडी रुक जाएगी। यस। क्लियर है। क्या अकेले किसी बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स उसके उस सिस्टम को रोक पा रहा है? नहीं, दोनों मिलके रोक रहे हैं। कौन कौन दोनों मिलके रोक रहे हैं? एक मिलकर रोक रहा है एफ ए और दूसरा मिलकर रोक रहा है एफ बी।
बराबर किसके अप्लाइड फोर्स के? अप्लाइड फोर्स कितना है एमजी भाई? एमजी भाई है कि नहीं बताओ? यस सर। पहले पिक्चर में कौन आया था? पहले पिक्चर में बी वाला फ्रिक्शन आया था कि ए वाला? बी वाला। बी वाला। बी अपना क्या लगा दिया होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर हो रहा है? थोड़ा दिमाग लग रहा है कि नहीं है बताओ? जी। बी वाला अपना क्या दिया होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैंने समझाया आपको कि जब इंजन चलेगा तब तो पता होगा उसे कि कितना लोड पीछे बैठा हुआ है। यस सर। इंजन चलेगा तब तो पता चलेगा कि कोयला लदा है या फिर आदमी लदा है। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। पहले इंजन अपना, इंजन पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो, फिर उसके बाद ना बोगियों के फ्रिक्शन लगेंगे उस पे। यस सर। पहले तो इंजन वाला ही फ्रिक्शन उसको रोकेगा ना। Yes, जब वो असमर्थ हो जाएगा तो फिर जो बोगी, फिर और बोगी, फिर और बोगी, तब टोटल फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से अगर ज्यादा हो गया तो इंजन चलेगा ही नहीं, मतलब गाड़ी चलेगी ही नहीं, और अप्लाइड फोर्स से कम रहा तो गाड़ी चल जाएगी। चल जाएगी। तो सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा? फ्रिक्शन। इंजन का फ्रिक्शन या फिर बोगियों का फ्रिक्शन? इंजन का फ्रिक्शन। इंजन का फ्रिक्शन। तो इंजन का फ्रिक्शन सबसे पहले आएगा, यही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यही क्या था? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले कौन फ्रिक्शन में आएगा, कौन कॉन्टेक्ट में आएगा, सबसे पहले कौन अपना मैक्सिमम लगाएगा, वो है बी वाला इंजन। बी का मैक्सिमम, इसीलिए ए पे फ्रिक्शन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? यस। इसीलिए किस पे पूछा है फ्रिक्शन? ए पे, कि ए पे कितना होगा। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी, मैक्सिमम कितना है भाई? रूट टू बाई थ्री एम जी इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू। ठीक है बच्चे? एम जी बाई रूट टू। तो एफ ए कितना हो गया बोलो? एफ ए हो गया एम जी बाई रूट टू माइनस रूट टू बाई थ्री एम जी। तो ये हो जाएगा, आपने कैलकुलेट किया, ये आया एम जी बाई थ्री रूट टू आया। डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन। डाउन द प्लेन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा है वो। यस सर। तो एम जी बाई थ्री रूट टू न्यूटन डाउन द प्लेन, मतलब ये फ्रिक्शन। ठीक है, इतने फ्रिक्शन से वो सिस्टम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रुकेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, टेंशन निकालना है। देखो टेंशन क्या हो जाएगा, किसी एक सिस्टम का मान लो ए का ही देख ले, तो ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था? इधर लग रहा था आपका एम जी बाई रूट टू, इधर लग रहा था आपका नॉर्मल फोर्स एन ए, मैं ए का बना रहा हूँ फ्री वर्ल्ड डायग्राम, इधर लग रहा है आपका एम जी बाई रूट टू और इधर लग रहा है टेंशन, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, यही तो है। yes, तो टेंशन, अब देखो यहाँ टेंशन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू, यही तो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अरे ऐसे लिखोगे ना, बराबर जीरो लिखोगे कि नहीं बताओ? तो टेंशन प्लस एम जी बाई थ्री रूट टू माइनस एम जी बाई रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो टेंशन कितना आया बोलो? टेंशन आ गया एम जी बाई रूट टू माइनस एम जी बाई थ्री रूट टू। तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है टेंशन आ जाएगा 2mg by 3 root 2, ये तो आएगा, ये गलत कर रहा हूं मैं, mg by root 2 कॉमन हो जाएगा 3 minus 1, 2 divided by 3, ठीक है, कितना न्यूटन आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। 10 मार्क्स का था। यस सर।
ठीक है, कोई कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक बोलो। यस सर। कुछ समझ में आया कि नहीं है बताओ? आया सर। तो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन किस पे, इंजन पे कि बोगी पे? इंजन, इंजन पे। इंजन 2M है इसलिए सबसे फ्रिक्शन मैक्सिमम उसी पे लगेगा। और ये अच्छा क्वेश्चन सर, वो पेज दोबारा दिखा दो एक बार और दिखा देता हूँ। ले ये वाला। यस सर। सर मैं नोट कर रही हूँ, बस 2 मिनट। नोट करो, पढ़ो भी जाके घर पे। यस सर। पर नोट करके रख लेती है? नहीं क्या सर। आएगा काम कभी है? जब मन करेगा देख लेंगे, कोई नहीं। चल आजा बच्चे, अब इधर देख, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। एक और क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है। टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाई मासलेस स्ट्रिंग। देखो दो ब्लॉक है, वो दोनों ब्लॉक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये सारे क्वेश्चन एच सी वर्मा के हैं। किसके हैं? एच सी वर्मा। इसलिए कहते हैं बार बार बनाओ। टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाई ए मासलेस स्ट्रिंग स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ये 37 डिग्री है, ठीक है। ये ब्लॉक एम टू है, ये ब्लॉक एम वन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द मासेस ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द टू ब्लॉक्स आर एम वन इज इक्वल टू 4 kg एंड एम टू इज इक्वल टू 2 kg। एम वन कितना है भाई? 4 kg। एम टू कितना है? 2 kg। मैं प्रॉब्लम समझा दूंगा अभी, आपको चिंता मत करो, मैं पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ तो लू। एम टू है 2 kg रिस्पेक्टिवली एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एम वन एंड एम टू विद द इंक्लाइंड प्लेन आर 0.75 एंड 0.25। एम वन पे 0.75 है और एम टू पे 0.25 है। देखो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन मान लो कितना है? 0.75। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू है मान लो कितना? 0.25, ठीक है। चलो भाई देखो, तो म्यू वन इज इक्वल टू 0.75, म्यू टू 0.25 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खींच नहीं सकती, ठीक है। मासलेस भी है, इनएक्सटेंसिबल है, सब कुछ है, ठीक है ना? ठीक है भाई, रिस्पेक्टफुली अज्यूम द स्ट्रिंग टू बी टाइट। स्ट्रिंग को मान लिया है कि वो क्या है? टाइट है ये स्ट्रिंग, ठीक है बच्चे। अरे बोलो, सब लोग चले गए क्या? सो गए क्या? नो सर। नो सर। मत देखो, सो गए बच्चा ना तो खो जाओगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। फ्रिक्शन एक देखो, मैंने जो अभी तक फ्रिक्शन में देखा और आपने भी देखा, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ फ्रिक्शन में है ही नहीं। क्या दिमाग लगाना है बताओ? कि पहले तो ये देखो कि बॉडी किधर मूव कर रही है, दूसरा ये देखो कि जिधर मूव करेगी फ्रिक्शन उसके अपोजिट, तीसरा कितना लगेगा जिससे कि बॉडी रुक जाए, काम खत्म। यही तो है फ्रिक्शन में, और क्या है? यस सर। और टेंशन दिमाग में लेना नहीं, क्योंकि टेंशन का वर्क है ही नहीं, तो टेंशन को तो पहले भूल ही जाओ कि टेंशन भी लग रहा है, पहले देख लो कि नेट फोर्स किधर लग रहा है, काम खत्म। यस सर। ठीक है, टेंशन की टेंशन नहीं लेनी। हाँ, टेंशन की टेंशन नहीं लेनी बच्चे, ठीक है। फाइंड नंबर ए द कॉमन एक्सेलरेशन, लिखो अब क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ टू मासेस एंड बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जी की वैल्यू 9.8 कह रहे हैं, देखो ये भी बहुत ना बहुत अच्छे नहीं है ये। क्वेश्चन डी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर, ये पूछा गया था 1981 में, पूछा गया था 1981। क्या करोगे बताओ? पहले फ्री वर्ड डायग्राम, सबसे पहला काम क्या बनाना? फ्री वर्ड बना लो,
बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जल्दी जल्दी बनाओ दोनों ब्लॉक का, ज्यादा फटाफट खींचो, फटाफट खींचो। कह रहा है कि वो M2 किधर की तरफ स्लाइड कर रहा है, नीचे की तरफ। कह रहा है M2 मतलब सिस्टम कह रहा है नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। कह रहा है हाँ ठीक है। कह रहा है कि assuming the string to be tight, string tight है और friction, sorry, string tight है और सिस्टम किधर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। तो कॉमन एक्सेलेरेशन बताना है। क्या बताना है? कॉमन एक्सेलेरेशन। फ्रीवे डायग्राम बना लो फटाफट। इंक्लाइंड प्लेन पे लास्ट क्वेश्चन है, या हो सकता है एक और करा दूं मैं, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, जो पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूं, ताकि आपको ना कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार ऐसा क्वेश्चन पूछता है आसान सा। देखो जो बना रहे हैं बच्चे वो बनाए, जो नहीं बना रहे वो मेरी तरफ देखें, मतलब बोर्ड की तरफ देखें, और मैं बना रहा हूं। इसका फ्रीवे डायग्राम बना लो। क्या होगा इसका फ्रीवे डायग्राम बताओ भाई? इसका फ्रीवे डायग्राम होगा M2G मतलब 2G होगा कि नहीं बताओ? ठीक, नॉर्मल रिएक्शन हो गया इधर, नॉर्मल रिएक्शन 2 पे N2 मान लो, ऐसे ही मानना आप 2 पे N2 1 पे N1। ऐसा क्यों मानना है? क्योंकि आपको कम से कम ये तो एहसास हो, ये तो पता चले कि किसका नॉर्मल रिएक्शन है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा अब देखो नॉर्मल रिएक्शन हो गया N2, ये हो गया 2G। अच्छा इसमें टेंशन आएगा? हाँ टेंशन आएगा भैया, इधर आएगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एंगल 37 डिग्री है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्या? 2G cos 37, इधर हो जाएगा 2G sin 37। यस सर, होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है भाई, आप देखो इस पे, इस पे देखो। ऐसे क्वेश्चन से क्या करते हैं ना, एक एक बॉडी को एनालिसिस करते हैं। एक एक बॉडी को एनालिसिस करोगे ना, तो आपका पता, आपको पता चल जाएगा कि यार क्या एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। इस पे देखो, इसका मास है कितना? 4 kg। इसका एक्सेलेरेशन, इसका जो है सेल्फ वेट हो जाएगा 4G। इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, देखो 4G कितना बढ़िया, कितना तेजी से बोला इसने 4G। 5G आ रहा है बेटा। N1 स्पीड और तेज हो जाएगी, ये हो गया एंगल 37, होगा कि नहीं बता? होगा। ये हो जाएगा 4G cos 37, होगा कि नहीं बता? होगा। ये बच्चे यहां दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा सा अलग दिखाता हूं मैं, क्योंकि आपको एहसास हो कि नहीं यार क्या दिखाया था मैंने। ये देखो इधर तो ये तो हो जाएगा टेंशन आपका, इधर हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना? 4G sin 37। ठीक है, और स्ट्रिंग को कह रहा है टाइट है, स्ट्रिंग अगर टाइट है तो इसमें टेंशन हो जाएगा T इधर की तरफ, होगा कि नहीं बताओ? होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? सिस्टम किधर मूव करेगा? सिस्टम नीचे की तरफ, मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन कितना होगा? इस पे यहाँ फ्रिक्शन मान लो F1 हो गया और यहाँ F2 हो गया। सर F1 24 न्यूटन है। F1 निकाल लो पहले। F1 हो जाएगा U1 into N1, चलेगा? यस सर। U1 कितना है बोलो? U1 है आपका 0.75 और N1 है कितना है भाई? N1 देखो 4G cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5। यस सर, आता है ना आप लोगों को? यस सर। तो ये हो जाएगा cos 37 4/5, मतलब ये हो जाएगा 16/5G, चलेगा? यस सर। तो ये हो जाएगा 16/5, मतलब 5 से काटोगे इसे तो 15 × 75, मतलब 0.15 into 16G। घबराना मत, घबराना मत कभी भी। yes, sir. ये पॉइंट में आ रहा है यार, घबराना नहीं है, पेशेंस लूज नहीं करना है। अगर आप पेशेंस लूज कर दिए तो समझो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे।
यस सर। माउंटेन ड्यू का प्रचार बहुत बढ़िया है, डर के बाद जीत है। यस सर। तो उस एहसास को माँ कितनी भी प्रॉब्लम में हो लेकिन पेशेंस लूज नहीं करना है, लूज किए तो आदमी पागल हो जाता है, फिर लूज नहीं करना है, उसके बाद तुम्हारी जीत निश्चित है, लूज मत करो, बस पेशेंस लूज मत करो, ठीक है। देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 2.4 जी, 16 × 5 = 80 और 16 × 16 = 8, 8 × 6 = 14 = 24, तो मतलब ये हो जाएगा 2.4 जी। यस सर। होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। अच्छा एफ टू कितना होगा भाई? म्यू टू इंटू एन टू। म्यू टू कितना है बच्चे? म्यू टू है आपका 0.25। एन टू कितना है भाई? एन टू देखो, एन टू है 2g cos 37, cos 37 4/5 मतलब 8/5g। ठीक है, 5 × 25 0.5 × 25 हो गया, ये हो जाएगा 0.05। 0.05 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8/40 मतलब ये हो जाएगा 0.4g। कितना हो जाएगा? 0.4g। अब आप ध्यान से देखो कि मान लो अगर टेंशन नहीं होता, क्या नहीं होता? टेंशन नहीं होता। आपको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे। मान लो कि रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक अपना अलग जाता और ये वाला ब्लॉक अपना जाता कि नहीं जाता? यस। अच्छा ये बताओ, ये इस पे कितना, ये ब्लॉक अगर अलग जाता तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है जिससे कि ये नीचे की तरफ जाता? वो लग रहा है आपका 4g sin 37। यस सर। 4g sin 37 मतलब कितना हो गया बताओ? 4g sin 37 मतलब sin 37 3/5 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 × 12 = 5g। 12 × 5g होता कि नहीं होता बताओ? यस सर। क्या 12 × 5? 12 × 5 ही तो होता है यार। हाँ, 4 × 3 = 12 × 12 × 5 मतलब कितना हो गया? 2.4g। 12 × 5 मतलब कितना हो गया? 2.4g। यस सर। नहीं सॉरी, हाँ 2.4, हाँ 2.4g। इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 2.4g। 2.4g तो क्या ये अपने से नीचे जाता? नो सर, नहीं जाता, वो वहीं रुका रहता। यस सर। अरे नहीं आया सुनने? आया सर। क्लियर है ना? यस सर। वो रुका रहता कि चल देता? रुका रहता। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर यही, अगर ये वैल्यू नहीं देके कुछ और देता ना तो आपकी हालत खराब हो जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या ये सिस्टम अगर ये रस्सी नहीं बंधी होती तो क्या M1 नीचे की तरफ जाता? No, sir. नहीं जाता, क्योंकि इस पे जितना जो है सेल्फ वेट इसका लग रहा है प्लेन के अलोंग, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है, तो ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। इसे मूव कौन करा रहा है? M2। तो M2 क्या मूव करा पा रहा है? ध्यान से देखो, इस पर M2 पे कितना फोर्स लग रहा है? 2g sin 37 मतलब 3/5, 3×6 = 6/5g कर रहा है, 6/5g मतलब हो गया 1.2। यस सर। 1.2g, तो आप इसे लिख सकते हो कि यहाँ हो गया 1.2g। ठीक है बच्चे? यस सर। और F2 कितना लग रहा है? 0.4g। क्या M2 खुद से नीचे की तरफ जाने लगता? यस सर। यस सर। नहीं आया सुन में? आ गया। M2 खुद से नीचे की तरफ जाने लगता? यस सर। अब M2 खुद से नीचे की तरफ जाने लगता तो अब अगर इसमें रस्सी बांध दो, और M1 मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब रस्सी बांधोगे तो पहले रस्सी क्या होगी? टाइट होगी, खींचेगी। रस्सी टाइट होगी। जब रस्सी टाइट होगी तो रस्सी में क्या आएगा? टेंशन। उस टेंशन के कारण ये बॉडी किधर की तरफ आने लगेगी? नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आने लगेगी, क्या दोनों सिस्टम साथ साथ आएंगे कि अलग अलग आएंगे? साथ साथ।
सात सात अंक। अगर यही फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और होती, मान ले कि F1 की वैल्यू इससे कम होती, तो ये दोनों साथ साथ नहीं आते, तब एक्सेलरेशन अलग अलग होता। वो ज्यादा तेजी से आता है। एक्सेलरेशन 1.3 आ रहा है। गुड। टेंशन 5.24 न्यूटन आ रहा है। देखते हैं बच्चे। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक और पूछा है एचसी वर्मा में, और यहाँ पेपर में भी पूछा है। मैं 10 साल का पेपर लेके बैठा हूं, ये मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं आपको ये सारे, ताकि आपको एहसास हो कि यार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पढ़ने की देरी होती है। एनालिसिस कर लो एक एक बॉडी की। मैंने इस बॉडी की एनालिसिस करी, देखो तो ये खुद से मूव नहीं कर रहा। कौन मूव कराएगा? M2। M2। M2 क्यों मूव कराएगा? क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है। यस सर। तो M2 इसको मूव करा रहा है। तो अब मूव करा रहा है तो दोनों साथ साथ जाएंगे कि अलग अलग? साथ साथ। यही अगर F1 की वैल्यू इससे कम होती, बच्चे फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इससे कम होती F1 की वैल्यू, तो दोनों अलग अलग जाते कि साथ साथ जाते? अलग अलग। क्यों अलग अलग जाते? मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला मूव करने लगता, रस्सी लूज होती, ये वाला खुद से मूव करने लगता, रस्सी लूज हो जाती, रस्सी लूज हो जाती, तो क्या M2 से कॉन्टेक्ट हट जाता? हाँ हट जाता भाई। M2 से कॉन्टेक्ट तभी तक है जब तक कि रस्सी टाइट है। नहीं आया समझ में? मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा समझो जैसे कि आपका ना आपकी कार खराब हो गई है, और आपका जो दोस्त है ना, वो जो आया और आपकी कार को टोचिन करके ले जा रहा है। क्या करके ले जा रहा है? टोचिन करके। टोचिन समझते हो? बांध के। आपकी कार को पीछे रख के अपने आगे रख के बांध के ले जा रहा है। ले जा रहा है? Yes. और आप ना, आप ऐसा करो कि अचानक से अपनी कार चला दो, क्या कर दो? रस्सी क्या हो जाएगी? लूज। और रस्सी लूज हो जाएगी तो फिर उससे कांटेक्ट हट जाएगा। तो उसका क्या मतलब? फिर आपका अपना एक्सेलरेशन, उसका अपना एक्सेलरेशन। यस सर। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ कंडीशन क्या बन रही है कि रस्सी टाइट ही रहेगी कि लूज हो जाएगी? टाइट ही रहेगी। टाइट ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन रस्सी टाइट ही रहेगी। रस्सी टाइट रहेगी तो ठीक है। अब रस्सी टाइट रहेगी, ये बॉडी मूव करे, क्या दोनों साथ मूव कर रहे हैं अलग अलग? साथ मूव कर रहे हैं। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट? सेम होगा। सेम। सेम। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि इंजन का एक्सेलरेशन कुछ अलग और बोगी का एक्सेलरेशन कुछ अलग? दोनों का एक्सेलरेशन सेम। तो दोनों का एक्सेलरेशन बच्चे हो जाएगा सेम। तो इसका भी एक्सेलरेशन ए मान ले, और इसका भी एक्सेलरेशन ए। अब दोनों का एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो हर बॉडी का, इस बॉडी का अपना जो है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस बॉडी का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काम खत्म? यस सर। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो इस बॉडी का, नीचे वाली बॉडी का नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या है भैया। ये है F1 2.4 mg, ठीक है, और F2 है 0.4 g, ठीक है। दोनों को हमने देख लिया है, आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको यहां से हटाते हैं। F1 F2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसको हमने हटा दिया यहां से। देखो इधर तो F1 इस पे नीचे वाले पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो क्या नेट फोर्स कितना है, इधर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 1.2g, 1.2g, और ऊपर कितना लग रहा है? माइनस टी, और क्या लग रहा है? माइनस एफ टू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है? 2 into a। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है? ठीक है बच्चे। दूसरे वाले का देख लो, दूसरे वाले पे क्या क्या लग रहा है भाई? दूसरे पे लग रहा है एक टेंशन, और एक लग रहा है 4g sin 37। 4g sin 37 का मतलब हो गया 16/5। यस सर। ये हो गया नीचे की तरफ हो गया टेंशन प्लस
4g sin 37 मतलब 4g into sin 37 3/5 और क्या फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास है 4 into acceleration, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहां देखो अगर इक्वेशन सही लिखे हो, इक्वेशन सही लिखे हो तो टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर इक्वेशन देखो एक बात समझो, अगर इक्वेशन आपने सही लिखा है तो टेंशन खत्म हो जाएगा, और अगर इक्वेशन सही नहीं लिखा है तो वो टेंशन आपको टेंशन देता रहेगा। yes, तो ये पकड़ने के तरीके हैं। तो देखो हमने इक्वेशन सही लिखा है इसलिए ये टी को मार दिया, और ये मरता क्यों है, क्योंकि टेंशन के कारण कोई वर्क डन नहीं होता। जितना ये वाला निगेटिव करेगा उतना ये वाला पॉजिटिव करेगा, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, इसीलिए जीरो हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपने से कोई फोर्स थोड़ी ना लगा पाएंगे, अपने से लगाते तो भैया बाधा तो था, ये मूव नहीं कर रहा था तो खुद ही खींच लेते, M2 की क्या जरूरत थी। तो ये टेंशन खत्म, ओके टेंशन खत्म। तो देखो यहां हो जाएगा 1.2g - F2, F2 की वैल्यू कितनी है भाई, F2 की वैल्यू 0.4g है कि नहीं बताओ, यस सर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5g, माइनस F1 कितना है वो भी 12/5g है, मतलब 2.4g इज इक्वल टू कितना 4, 2, 6, 8 चलेगा। ये देखो ये इसको मार दिया, ठीक 1.2g - 0.4g कितना हुआ 0.8g is equal to mass into acceleration 6a, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आई 0.8g/6, तो a आ गया 0.8g, g कितना है 9.8/6, ठीक है। अब इसको देख लो कितना आ रहा है, ये आ गया 8 × 64, अरे 3 से काट दो तब भी नहीं कटेगा, 2 × 4 = 8.4, 2 × 3 = 6, 3, ठीक है, 4/32, 4 × 9 = 36, और 3 × 39 = 39, 3.92 / 3, यही तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, मतलब 1.31 अप्रोक्स, कितना 1.31 एक्सेलेरेशन हो गया 1.31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर, ये क्या है एक्सेलेरेशन, अच्छा अब एक्सेलेरेशन आ गया, आपको और क्या पूछ रहा है आपसे, टेंशन, ये तो कंबाइंड एक्सेलेरेशन हो गया, अलग अलग कंबाइन उसने कंबाइन दे भी दिया था, यस सर, और अब देता तो कहता बताओ एक्सेलेरेशन क्या कंबाइंड चलेंगे कि जो है अलग अलग चलेंगे, और कंबाइंड चलेंगे तो एक्सेलेरेशन बता दो, और अलग अलग चलेंगे तो दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, या ऐसे कहता कि डिटरमाइन एक्सेलेरेशन ऑफ मास M1 एंड M2, तो सोचने वाली बात है कि क्या दोनों साथ चल रहे हैं या दोनों अलग चल रहे हैं, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ क्यों चल रहे हैं, मैंने ये दिखाया आपको, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख देना, टेंशन आ जाएगा, सॉरी इस इक्वेशन में रखो, इसमें आसान होगा, क्यों आसान होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना अपने आप, ये वाले T = 4a होगा, तो T = 4a हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 1.31 है, ये हो जाएगा 13 × 52, 5.4224 आएगा, यस सर, 5. अरे यहां पे F2 की वैल्यू सही बनाया 5.24, F2 की वैल्यू कितनी रखी है सर यहां पे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, यस सर,
मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सब लोगों से, विनती है, क्या एक ही कि सिर्फ क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना के आएंगे ना फिक्शन पे, और जो मैं ट्वेल्थ में देता हूं उस पे बहुत मजा आएगा बच्चे पढ़ने में, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो जो कंसेप्ट था सिर्फ कंसेप्ट फ्रिक्शन का वही है क्या, कि पहले देखो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स आपने देख लिया इधर लग रहा है, आप बताइए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन उस नेट फोर्स को रोक पा रहा है, रोक पा रहा है तो बॉडी रुकेगी, नहीं रोक पा रहा है तो बॉडी चल देगी, इसके अलावा और कुछ है क्या, नो सर, यही तो कर ही रहे हैं हम लोग, यही कर रहे हैं, और फ्रिक्शन के हर हर साल हर ईयर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। मेरे बच्चे रिक्वेस्ट है ध्यान देके थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस फ्रिक्शन में बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, अभी एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के हम चलाएंगे, फिर उसके बाद आप सीढ़ी चढ़ा के कहीं सीढ़ी लगा के कहीं चढ़ते हो, कभी कभी सीढ़ी देखते हो फिसल जाती है, अभी तो जो सीढ़ियां आ गई हैं वो थोड़ी फिसलने वाली नहीं है, उसमें रबर नीचे लगा होता है, बड़े घरों की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी नॉर्मल घरों में यही बांस वाली सीढ़ी होती है, yes, अगर नहीं चढ़ना है छत पे, अगर चढ़ना है तो भाई उसके लिए तो सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन छत के अलावा कहीं चढ़ना है yes, उसके लिए एक बाम्बू की सीढ़ी लगाते हो, लगाते हो कि नहीं बताओ, बांस की yes, बांस की सीढ़ी कितने एंगल पे लगाए कि वो स्लिप ना करे, कितने एंगल पे लगा दे, किससे ज्यादा लगा दे वो स्लिप कर जाती है और नीचे गिर जाते हैं लोग, तो yes, किसी को पकड़ा के रखते हैं, ऐसे पकड़ा के रखते हैं कि नहीं पकड़े रहो यार गिरे ना, होता yes, है कि नहीं ये सब, yes, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है क्वेश्चन, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, ठीक है। तो yes, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, क्या क्वेश्चन बनाइए, बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे मुस्कान बेटा बनाती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलती है आंसर सर इसका ये होगा, आप भी कर सकते हैं, यू कैन आल्सो डू दिस, ठीक है। और वो करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम भी करेंगे, हम कर सकते हैं। और एक बार अच्छा करके ना निकल गए, जिंदगी लाइफ बन जाती है यार, क्या बन जाती है, लाइफ बन जाती है यार, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के इंसान देखता नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, उनको लेने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, उनको देखे जैसे अभी यूपी में हमारे इलेक्शन चल रहा है, आपके भी चल रहा है उत्तराखंड में, देख रहे हो, यस सर, तमाम आईपीएस ऑफिसर बिना जो है राजनीति में हुए, देखो टिकट मिल रहा है उनको, कितने लोग कितने साल से मेहनत कर रहे हो, नहीं मिला, लेकिन इनको मिल गया, क्यों मिल गया भाई, क्योंकि पता है इनके पास कैपेबिलिटी है, ये कर जाएंगे दिमाग के साथ भी और बहुत सारी चीजें कर जाएंगे, तो आपको अपना दिमाग दिखाना है बस। मेरी बात समझे, तो बच्चे डिटर्मिनेशन के साथ आप पढ़ाई करो, ठीक है, क्लियर है। एचसी वर्मा बना लो आप, एचसी वर्मा एनएफ है, अगर आप एचसी वर्मा ही बना लेते हो तो मुझे लगता है कि एचसी वर्मा के अलावा आपको और कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रिक्शन के लिए, इवन किसी के लिए, मेंस के लिए तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, बाकी आप ठीक है चलो।